हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं लच्छा परांठा। मेरे चैनल पे आपको 28-30 तरह के लच्छे परांठे दिख जाएंगे। अब मैं सबसे टेस्टी वाला बना रही हूँ, समोसे से भी ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। पहले हमने पेड़ा बेल लिया है, अब उसके ऊपर घी लगाना है। अजवाइन हर परांठे के लिए मस्ट होती है, क्योंकि अजवाइन से परांठा डाइजेस्ट अच्छे से हो जाता है। कोई भी तली हुई चीज़ हो, उसमें अजवाइन ज़रूर डालें। अब 12 लेयर्स इसकी कैसे बनानी है वो बता रही हूँ मैं। इसमें यहाँ से कट करना शुरू करेंगे हम। पतली पतली स्ट्राइप्स कट करनी है हमने। आटा है थोड़ा सा, इसलिए स्टिकी होता है। ये देखिए, पतली पतली स्ट्राइप्स हमने इसकी कट करनी है। ये देखिए, इस तरह से हमने पतली पतली 12 स्ट्राइप्स इसकी काट ली हैं। तो जितनी ज़्यादा स्ट्राइप्स होंगी, उतना ही बढ़िया लच्छा परांठा बनेगा। इन सब पे घी लगा हुआ है, अजवाइन लगी हुई है। अब हमने इनको रोल करना है। ये देखिए आप, इस तरह से हम इनको रोल करते जाएंगे। स्ट्राइप्स को थोड़ा सा अलग अलग कर लेना, क्योंकि ये चिपकता है। इस तरह से रोल करते जाना है, आपका बढ़िया सा रोज़ फ्लावर बनता जाएगा। ये देखिए, थोड़ी चिपकती हैं स्ट्राइप्स, क्योंकि आटा है ये। हम गेहूं के आटे का बना रहे हैं, मैदा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ मैं। मेरे चैनल पे आपको 28-30 लच्छा परांठा की टाइप्स मिल जाएंगी, किसी में भी मैदा इस्तेमाल नहीं किया, सब गेहूं के आटे से बनाए हैं और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। समोसे से भी ज़्यादा टेस्टी परांठे बनते हैं। ये देखिए, आपका रोज़ का फ्लावर बनता जा रहा है। आपने इसको लपेटते जाना है। पूरी की पूरी 12 लेयर्स हमने इस परांठे की बनानी है। ये देखिए, ये डो की तरह काम करता है, जैसे क्ले का डो होता है वैसा ही हमारा आटा भी होता है। ये देखिए, आपका बढ़िया सा फ्लावर बनता जा रहा है, स्ट्राइप्स पतली हैं, तो इसको हमने रैप अप करते जाना है। ये देखिए, रैप करते करते आपका बढ़िया सा फ्लावर बन गया है, इसको भी हम रैप कर देंगे। ये देखिए, लच्छे परांठे में पहले ही पता चल रहे हैं कितने लच्छे आ गए हैं। घी लगा हुआ है, इसलिए लेयर सेपरेटेड रहेंगी। तो अब हमने इसको हल्के हाथ से प्रेस करके बेल लेना है। अब हमने इसको सेकना है, जैसे नॉर्मल परांठे को सेकते हैं वैसे ही सेकिए। तो आपको बाद में परांठा क्रश करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही लच्छे इसके निकल के आएंगे बाहर। ये देखिए, इसमें आपको लच्छे नजर आ जाएंगे। ये देखिए, ये इसमें लच्छे बन रहे हैं, इधर भी लच्छे आ गए हैं। ये देखिए, आपका लच्छा परांठा भरा हुआ लच्छों से। ये देखिए, आपका लच्छा परांठा रेडी है।